सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप. जो टाइप हमारे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वो भी आपके पास साइन और कॉस में ही है. ये कुछ सब पार्ट ही है एक तरह से मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का. अब ये जो टाइप है यहां पे क्या है, एम और एन पावर में है, ठीक है. डिपेंड करता है पूरा का पूरा आपके पास ये जो है एम और एन की वैल्यूज के ऊपर. यहां पे अगर एम जो है वो आपके पास ऑड है, ठीक है, और एन जो है वो अगर हमारे पास इवन, अगर एम ऑड है एन इवन है तो सीधा हमारा जो साइन एक्स है आप उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे टी. अब आप इस चीज को देख सकते हैं एक तरह से कि सिंपल है. अगर हमारा इवन एन है तो आपने साइन एक्स को टी डाल दिया तो ये तो चला गया, बचा आपके पास एक कॉस एक्स, ठीक है. यानी कि जितने भी आपके पास ऑड में भी होंगे तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो वो क्या है, कॉस एक्स. तो इसमें से एक कॉस एक्स निकल जाएगा. अब बचेंगे कितने, इवन पावर्स में बचेंगे, और इवन पावर्स में कॉस स्क्वायर एक्स का मुझे पता है 1 - sin² x होता है. तो मैं उसकी पूरी कन्वर्जन करके इस चीज को सॉल्व करूंगा. किस तरह से, देखिए जैसे मैंने अभी आपको नॉर्मली इस चीज को समझाने की कोशिश की. मैंने आपको क्या बोला है, साइन एक्स को टी ले लीजिए तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा. अब एक कॉस एक्स मुझे यहां से लेना पड़ेगा, वो एक कॉस एक्स और डी एक्स मिलकर बना देंगे डी टी, और साइन एक्स तो है ही हमारे पास टी स्क्वायर, बचा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स. कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 - sin² x, यानी कि कुछ इस तरह से टाइप कर लिया. अब इसके बाद तो हम बेसिकली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. सेम चीज अगर ये उल्टा भी हो जाए, ये इवन हो जाए वो ऑड हो जाए तो क्या कर देंगे, हम उसको भी उल्टा कर देंगे, हमारी सब्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे, कॉस एक्स इक्वल टू डी ले देंगे. अगर दोनों ऑड हो जाए, ये भी ऑड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा है ना. यहां पे हमारा टी स्क्वायर था, टी क्यूब बन जाएगा, ठीक है, ये टी क्यूब बन जाएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. विच मीन्स मैं चाहे साइन एक्स इक्वल टू टी लू चाहे कॉस एक्स इक्वल टू टी लू मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बात आती है उस क्वेश्चन में जहां पे दोनों के दोनों इवन है. यह थोड़ा सा टिपिकल रहता है क्योंकि इसमें हम ना ट्रिगो की जितनी भी आइडेंटिटीज है ना हम उसको यूज करते हैं. अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री याद होनी चाहिए, फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए, बिकॉज डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सारा का सारा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज पर बहुत ज्यादा बेस्ड है, ठीक है. तो जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटीज हैं वो सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है. सो अब इवन और इवन का हमें क्वेश्चन ले लेते हैं. तो सो इंटेग्रल ऑफ से साइन बार 4x कॉस बार 2x dx ऐसा कुछ क्वेश्चन है. देखिए दोनों में क्या है, इवन पावर्स है. तो हम स्टार्ट करते हैं इसे स्प्लिट करने से. कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा. इस साइन स्क्वायर एक्स को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, और यहां पे मैं 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 2 sin x cos x का होल स्क्वायर, यानी कि साइन 2x का होल स्क्वायर. अब इस तरह से मैं उसे भी ओपन कर सकता हूं, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटी. अब क्या है, ये सारे 4, 2 सब बाहर ले आते हैं तो ये बन गया 1/16, और अंदर क्या बच रहा है, 1 - cos 2x 1 - cos 4x dx. सिंपली हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये आ गया 1 - cos 4x cos 2x and cos 2x cos 4x dx. अब फिर से आइडेंटिटी आ गई, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज अच्छे से याद कर लीजिए. क्या लगेगा यहां पर हमारे पास, अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्या करेंगे,
cos c plus d cos c minus d, ठीक है। बस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्व कर देते हैं 1/16 एस एच, इंटीग्रल करना स्टार्ट कर देते हैं। 1 का आ गया x, इसका आ गया साइन 4x/4, साइन 2x/2, हाफ यहां पे क्या आ जाएगा, साइन 6x/6, कॉस 2x/2, ये हमारे पास आंसर आ गया। प्लस सी, पहले प्यार को इंसान नहीं भूलता ना, वैसे ही ये पहला प्यार समझ लो, प्लस सी, ये ऐड करना ही है आपको हमेशा। तो ये देखिए इस टाइप में देखो, जितने भी आपके टाइप थे जहां पे आपके पास ऑड और इवन पावर्स या ऑड ऑड पावर्स थे, वो सब इजी था, लेकिन इवन पावर्स में हमेशा देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके आपको उस चीज को सॉल्व करना है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको इन सब चीजों पर। सो दिस इज योर टाइप टू, जहां पे हमारे पास कॉस की पावर और साइन की पावर कंबाइंड थी। नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं, उससे पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, और फिर हम बात करते हैं टाइप 3 की।